जनदर्शन के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, लोगों के काम निपटाने के लिए बैठ रहा हूँ। जनदर्शन का कार्यक्रम भाजपा के मंत्री करते होंगे और मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद, जनदर्शन काय का दर्शन, लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता ने हमको चुना है, लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए जनता ने चुना है, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग बैठते हैं और बंगले में भी बैठते हैं विधिवत। अभी यहाँ से उठ के जाएंगे सीधा बंगले में बैठेंगे, कोई भी छुटा होगा तो भी वहाँ आएगा, या और कोई इस मान लीजिए कोई ड्यूटी वाला है और वो अगर ड्यूटी से छूट के ही 5 बजे आएगा तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, वो वहाँ आके अपने काम करवाएगा। तो हम तो लगातार जब भी रायपुर में रहेंगे यहाँ बैठते हैं, जिस ज़िले से भी हम लोग गुजरते हैं उस ज़िले के सर्किट हाउस में बैठ के लोगों का समाधान करते हैं, कोरबा में रहते हैं तो कोरबा ज़िला कार्यालय में बैठ के अपना दिन भर काम करते हैं, अपने लोगों का समाधान करते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो भी बोलती है उनको बोलने के सिवाय उनके पास अब कोई काम नहीं है, और अगर वो जनता की समस्याओं का समाधान किए होते तो 15 में नहीं सिमटते और आज हम लोगों को घंटों घंटों बैठ के अलग से इन समस्याओं के लिए समय नहीं देना पड़ता। आ चुका है और जो भी आवेदन आते हैं हम उनका तत्काल निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ हमने रायपुर में संभागीय बैठक ली थी, उसके बाद बिलासपुर में अभी 22 तारीख को हमारी संभाग की बैठक हुई, जिसमें सभी ज़िलों के कलेक्टर, कमिश्नर, रेवेन्यू सेक्रेटरी और नीचे के सभी SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी को बुलाया गया था और सबको निर्देश दे दिया गया और एक समय सीमा तय कर दी गई है कि 2 महीना के अंदर जितने भी प्रकरण लंबित हैं, क्योंकि प्रकरण तो 15 साल पिछले समय जो कांग्रेस भाजपा की जो सरकार रही उस समय हर क्षेत्र में हज़ारों प्रकरण लंबित हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ उन लंबित प्रकरणों का निराकरण हो रहा है और आने वाले समय में आप लोग स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि काफ़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो गया है।